हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा था सेक्शन फॉर्मूला और डिवीजन फॉर्मूला भी इसको हमने कहा था। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें अक्सर के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। रिलेशन दे रखा है इसके बीच में, एंड एक चीज और बोला है कि P lies on the same line segment। ठीक है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ये इधर A ले लेते हैं, इधर हमारा B पॉइंट है A, और A के कोऑर्डिनेट है इस समय -2, -2। B के कोऑर्डिनेट है हमारे 2, -4। ठीक है, ये होगी हमारी लाइन सेगमेंट। और P इसी पर कहीं ना कहीं, कोई जरूरी नहीं कि मिड में हो, बीच में हो, कहीं भी पी हो सकता है। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं पी x, y। अब जो दिया हुआ रिलेशन, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। रिलेशन हमें दे रखा है कि ए पी अपॉन इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, ए बी को मैं इस तरफ लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। इसको रेशियोज में अगर हम देखें तो AP की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड AB की हो जाएगी 7। मींस AP इज टू AB इक्वल टू 3:7। मतलब यहां से यहां तक, इस जगह से यहां से यहां तक जो है हमारा 3 है, और इस जगह से इस जगह तक ये हो गया हमारा 7। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है इस प्लेस से इस प्लेस की वैल्यू। तो इस पूरे कंप्लीट में से AP में से मैं अगर AP माइनस कर दूं तो हमारा पी बी आ जाएगा। ठीक है, तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी माइनस ए पी। ए बी है हमारा 7, 7 -3 दैट इज 4। तो पी बी हमारा हो गया 4। इसका मतलब ये रेशियो आ चुका है हमारा, इस रेशियो से डिवाइड करेगा 3:4 के रेशियो में ये डिवाइड करना है। मीन्स एम वन हमारा हो गया 3, M2 हो गया हमारा 4। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा x1, y1, और ये हो गया x2, y2। बस अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूले से हम P की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, P कोऑर्डिनेट P जो कि x, y है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। सेम सिचुएशन y के लिए, y इज इक्वल टू m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। क्लियर, x इक्वल टू m1 है हमारा 3 इंटू x2 क्या हो जाएगा, इसमें देखिए x2 है 2 प्लस m2 दैट इज 4। यहां से भी देख सकते हैं 4, x2 इधर आ जाइए -2 अपॉन 3 + 4। ओके, इधर भी सेम वैल्यूज पुट कर दीजिए, m1 ये है हमारा 3 इंटू y2 इस पे आइए -4 प्लस m2 वही सेम क्या है हमारा 4 इंटू y1 आ जाएगी यहाँ पे -2 अपॉन m1 + m2 3 + 4। क्लियर है, अब कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर लेते हैं हम। x इक्वल टू 3 × 2 = 6 प्लस इंटू माइनस 4 × 2 = 8 अपॉन 3 + 4 = 7। सेम y इक्वल टू, इधर कोई साइन नहीं, प्लस इंटू माइनस 3 × 4 = 12, सेम प्लस इंटू माइनस 4 × 2 = 8 अपॉन सेम इज 7। चलिए नेक्स्ट, x इक्वल टू हो गया, देखिए +6 है एंड -8 है, साइन तो माइनस आएगा और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 8 और 6 का डिफरेंस हो गया हमारा 2 अपॉन 7। इधर वाला देखें तो दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू मतलब साइन सेम है, तो दोनों 8 हो जाएंगे, 8 होके क्या बनाएगा ये 20/7। देखिए x और y दोनों की वैल्यूज आ गई, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ p
Hence, the coordinate of P minus 2 upon 7, comma minus 20 upon 7. ये complete हो गया हमारा question. तो ठीक है, तो इस तरह का अगर कहीं भी कोई भी problems होती है, देखिए पहले कौन सा formula use में आ रहा है और क्या given है. Question को अच्छे से समझ लिया तो easy going है, आप questions को कर सकते हैं. ठीक है, अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. और हमारा वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है आपको तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू.